आज हम देखेंगे कि 12 प्रकार के ब्रेस्ट होते हैं। पहली साइड सेट, ये होते हैं फर्दर अपार्ट रहती है और मोर स्पेस रहता है दोनों के बीच में। दूसरा सिलेंडर शेप रहता है, ये रहता है नैरो और लॉन्ग और जो निपल जो है वो नीचे की तरफ पॉइंट रहते हैं। तीसरा हम देखेंगे टीयर ड्रॉप रहता है, ये राउंड और बॉटम जो रहता है वो टॉप से थोड़ा सा ज़्यादा फुला हुआ रहता है। राउंड हम देखेंगे कि ये दोनों इक्वल अमाउंट ऑफ फुलनेस रहती है टॉप और बॉटम में। उसके बाद देखेंगे कि रिलैक्स, ये निपल और ब्रेस्ट टिश्यू जो हैं वो लूज रहते हैं और नीचे की तरफ पॉइंट रहते हैं। उसके बाद ईस्ट और वेस्ट रहते हैं, ईस्ट वेस्ट बूब्स लेकर देखेंगे, ये निपल जो है वो आउटवर की तरफ पॉइंट रहते हैं। उसके बाद कोनिकल ब्रेस्ट देखेंगे कि ये कोन शेप में रहते हैं और ये स्मॉलर ब्रेस्ट में ज़्यादातर पाए जाते हैं। उसके बाद देखेंगे कि क्लोज सेट, ये बहुत ही कम गैप रहता है दोनों के ब्रेस्ट के बीच में। उसके बाद देखेंगे बेल शेप, ये शेप जो रहता है ब्रेस्ट का ही बेल शेप में रहता है और टॉप नैरो रहता है और बॉटम राउंड रहता है। उसके बाद एथलेटिक देखेंगे कि वाइड रहते हैं, मसल्स ज़्यादा रहते हैं और ब्रेस्ट टिश्यू कम रहते हैं। उसके बाद सिमेट्रिक ब्रेस्ट, दोनों जो ब्रेस्ट रहते हैं उनके साइज़ अलग अलग रहते हैं। उसके बाद आर्किटाइप जैसे राउंड और एंड फुल विद अ स्मॉल पॉइंट एट निपल। उसके बाद हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रा, असिमेट्रिक ब्रेस्ट के लिए पुशअप ब्रा विद रिमूवेबल पैड्स। उसके बाद एथलेटिक ब्रेस्ट के लिए वायरलेस ब्रा, ईस्ट वेस्ट ब्रेस्ट के लिए पुशअप ब्रा, रिलैक्स ब्रेस्ट के लिए टी शर्ट या फिर पुशअप ब्रा, बेल शेप के लिए टी शर्ट ब्रा, सिलेंडर शेप के लिए ब्रास विथ डीप प्लंज, साइड सेट के लिए फ्रंट क्लोज ब्रा, राउंड के लिए एनी स्टाइल ऑफ ब्रा, टीयर ड्रॉप के लिए एनी स्टाइल ऑफ ब्रा। थैंक यू।